संभल में लगातार तीसरे दिन फिर जंगलराज की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां लेनदेन के विवाद में भीषण पथराव हुआ है। पुलिस के अनुसार दो लोग घायल हैं, सात को गिरफ्तार किया गया है। लाठी डंडे हाथों में लिए भीषण पथराव की दिन दहाड़े की ये दिल दहलाने वाली तस्वीरें रजपुरा थाना के गांव झिंझोड़ा डांडा गांव की है, जहां भीड़ भयंकर पथराव कर रही है। वहीं दुकान की छत से भी पत्थर का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। पथराव की ये घटना भी पुलिस चौकी से चंद गज दूर की है। हालांकि पुलिस कर्मियों ने ही बाद में हौसला दिखाते हुए भीड़ को खदेड़ कर विवाद रोका है। आज दिनांक 24/5/21 को थाना रजपुरा अंतर्गत ग्राम झिझौड़ा में परचून की दुकान पर उधारी के पैसे को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई है, जिसमें नीतू पत्नी नेत्रपाल, भूप सिंह पुत्र धर्मपाल घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। ग्राम झिझौड़ा में किशनपाल पुत्र धर्मेंद्र की दुकान है, जहां पर सोनू पुत्र इंद्रेश द्वारा दुकान पर सामान को लेकर कहासुनी हुई है और उसी में मारपीट हुई है। सात लोगों को हिरासत में लेकर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। कानून एवं शांति व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है।